फेयर क्यों फैला रहे हो, और मुझे इंस्टा पे भी डीएम्स आ रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई चैनल। आज कुछ दिनों के बाद अब मेरी ड्यूटी है, सो आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड देखते हैं क्या है, आज का दिन कैसा रहता है। सो आई विल बी शोइंग यू अराउंड कि कैसा है, लोग कैसे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेट्स सी। ये जो मास्क है ये आपके फेस को बिल्कुल अच्छी तरह कवर कर देता है, तो इससे मतलब काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन का वो रहता है। और पूरे इवन आई हैव बियर्ड, फिर भी ये बहुत ही टाइट हिसाब से बंद है, तो काफ़ी सही है ये रादर देन अदर मास्क। आज धूप भी काफ़ी तगड़ी है, तो लोग आराम से इफ़ेक्टिव विटामिन डी ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अच्छी धूप है, बहुत अच्छी धूप है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, बट धूप लाइट बहुत है, और आई थिंक इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा बोन्स के लिए। बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग हैं। कहाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी सुबह सुबह, सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं। सुबह सुबह बस थोड़े बहुत ही पार्क्स में दिखते हैं आपको, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और मोस्टली तो सारे घरों में ही बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं इस टाइम पर, बहुत सारे लोग दिखते थे जो अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकलते थे और अपने काम वाम वगैरह में जाते थे, बट अभी इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ है, कुछ भी नहीं है। मतलब चार लोग चल रहे हैं टोटल, और कोई इक्का दुक्का बाइक गाड़ी। हर जगह मतलब रास्ते रास्ते पर दो 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 किलोमीटर्स पे पुलिस लगी हुई है, और नाके लगे हुए हैं। वो आपसे पूछेंगे, आपसे कार्ड देखेंगे कि अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, मतलब खाने पीने लाइक डिलीवरी या मेडिकल या फिर क्लीनिंग एट्सेट्रा के प्रोजेक्ट में हैं, तो उसके लिए आपको छोड़ देते हैं। बट अगर आप कुछ और काम से जा रहे हैं तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो हर जगह पुलिस है, आगे भी पुलिस है, तो हर जगह चेकिंग होती है। सो इसलिए लॉकडाउन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 90 से ज़्यादा परसेंटेज में इन प्लेस है। मेरे पीछे भी अभी पुलिस खड़ी थी, तो मतलब चेक करने के लिए कि कोई ऐसे ही फ्री में तो नहीं घूम रहा है, ऐसे मतलब खामखा कोई सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं, वो चीज़ देखने के लिए। हर जगह काफ़ी मतलब कॉप्स रखे हुए हैं जो कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट बसेस भी चल रही हैं एसेंशियल पीपल्स के लिए। सर्जिकल मास्क होता है ना, वो ले लो, वो जो सिंपल सा मास्क होता है। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पहुंच गया, अब थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग कोविड इंक्रीज इन केसेस, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर मतलब कमेंट किया कि इतना फेयर क्यों फैला रहे हो, और मुझे इंस्टा पे भी डीएम्स आ रहे हैं कि इतना डर क्यों, खौफ क्यों, इससे कुछ नहीं होगा।
वगैरह वगैरह। और एक फ़ोटो सर्कुलेट हो रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रिकवरी हुई है वगैरह वगैरह। बहुत अच्छी बात है रिकवरी हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिकवरी तो फिर भी हज़ारों में हो रही है ना, तो मगर आप ये देखो कि केसेस लाखों में निकल रहे हैं और हज़ारों की तादाद में तो ऐसे पेशेंट हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बाकी सारे रिसोर्सेज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत है। मुंबई जैसी जगह में बहुत सारे घर वालों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने अपने घरों में ही आईसीयू बनाया, घरों में ही जो हाईटेक मशीन्स वो खरीदी और रखी अपने पेशेंट्स के लिए, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरा काम ये नहीं है कि मतलब मैं फेयर फैलाऊँ या लोगों को डराऊँ, मेरा काम ये है कि जो सिचुएशन है, जो अभी मीडिया दिखा नहीं रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारी है वो दिखा नहीं रही है, उस चीज़ के बारे में मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अभी भी आज भी मैं हॉस्पिटल गया, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मतलब आज भी बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, अभी हमारे हॉस्पिटल में आए थे, उनका वो लाइन में खड़े थे, उनका टेस्टिंग हो रहा था। तो सोचो सिचुएशन क्या ऐसी है, मतलब 2 बजे के आसपास भी वो लाइन में ही खड़े थे, सुबह मैंने उनको आते हुए देखा था, अभी तक वो लाइन में ही खड़े थे। तो ये हालत है, इतनी क्राउडिंग है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट क्राउडिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि हालत क्या है। तो इस डराने का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा ना सीरियस होना है कि भाई मतलब अपने ऊपर लेना है इस चीज़ को, ठीक है, कि हमें थोड़ा अवेयर कर रहना है कि मतलब घरों में ही रहना है, मतलब इधर उधर हांडते फिरना नहीं है, बस घरों में रहो, SOPs फॉलो करो, ज़रूरत के वक्त बाहर निकलो, बस यही मेरा मकसद था। बाकी मेरा फेयर फैलाने का मकसद नहीं था, बस ये मकसद ये था बस कि मतलब थोड़ा जगाने के लिए कि भाई हालात ख़राब हैं, पेशेंट्स के पास बेड नहीं है, पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, पेशेंट के पास दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर तो बिल्कुल है ही नहीं, हज़ारों में वेंटिलेटर होते हैं हर एक के लिए, मतलब ये मतलब अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ये मकसद था मेरा उस वीडियो को बनाने का, बाकी कोई मकसद नहीं था। चलो ठीक है, आई होप कि अभी आप प्रिकॉशंस लेंगे इंशाल्लाह, एंड यू विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।